अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाद और आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन नेदरलैंड। अब ये ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम है, यानी एक स्कॉलरशिप है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इन नेदरलैंड, और उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान का भी नेम शामिल है। इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसे स्कॉलरशिप डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप्स में डिफरेंट ऐसे कंट्रीज हैं जो इंक्लूड हैं जो इस ऑरेंज नॉलेज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेदरलैंड में। इसमें हम डिटेल से ये चीज़ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप्स हैं और आया स्कॉलरशिप्स जो है वो अप्लाई कैसे करेंगे, और इसमें सिंपल जो है वो क्राइटेरिया क्या है और कितनी इसमें सर्विसेज इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेदरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम, ठीक है। अब ये दो किस्म के इन्होंने प्रोग्राम्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द नेदरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम इज अ डच स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ्रॉम लुफिक फाइनेंस बाई डच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर। अब ये एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उनकी तरफ से, और इसमें करंटली आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने एक न्यू फेज स्टार्ट किया है जिसका नेम है ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रोग्राम से जो है वो ये चीज़ डेवलप करना चाहते हैं कि क्वालिटी और इंडिविजुअल्स के लिहाज से और इसमें इंक्लूड हो। तो इसमें कुछ लिखा है कि इन द फर्स्ट OKP यानी जो ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम है, इसके फर्स्ट राउंड में उन्होंने 28 कंट्रीज़ को एलिजिबल करार दिया है। अब उन फर्स्ट 28 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं, जस्ट वी वांट टू लुक हियर नाउ। तो नेक्स्ट OKP फेलोशिप डेडलाइन विल टेक प्लेस फ्रॉम मार्च 2018। अब इसमें जो कोर्सेज हैं यहाँ पर मेंशन है कि पहला जो इसमें कोर्स है वो है MSc इन अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 3 month कोर्स इन अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट थ्योरी, 3 week कोर्स ऑन डेवलपिंग सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, विच इज़ इंक्लूड अफगानिस्तान, इसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश इंक्लूड है, और इसके अलावा यहाँ पर देखें इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, और ये इन कंट्रीज से स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंडिया भी इंक्लूड है, यानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रजिस्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट OKP स्कॉलरशिप, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि इसमें आपको एक प्रोफेशनल और नेशनल वर्किंग, यानी आपका जो बैकग्राउंड हो वो प्रोफेशनल और नेशनल वर्किंग इन्वायरमेंट से हो, और इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो फिर आपने उसकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बी एम्प्लॉयड बाई ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इट वोन मीन्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कंसीडर्ड टू हैव द वोन मीन्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट आर फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर वो कुछ लिख रहे हैं कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करना, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को डिवेलपमेंट यानी स्टाफ डिवेलपमेंट के लिए कोर्सेज करने के लिए भेजती हैं, तो आप उनकी बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप इंडिविजुअल बेस पर अप्लाई करें तो बेहतर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है मस्ट हैव एन ऑफिशियल एंड वैलिड पासपोर्ट, मस्ट नॉट रिसीव मोर देन वन फेलोशिप ऑफ कोर्स, एंड मस्ट हैव NF गवर्नमेंट स्टेटमेंट दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री इन विच एम्प्लॉयर इज एस्टैब्लिश। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस वे एंड रिसीव योर एकेडमिक एडमिशन ऑफर। यू विल देन बी इन्वाइटेड बाई IHS टू अप्लाई फॉर OKP फेलोशिप, एंड इन्विटेशन ईमेल विद डिटेल इंस्ट्रक्शन विल बी सेंड टू। अब ये देखें आपके सामने मेंशन है कि आप कब तक सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट है मीना स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये भी इन्हीं की तरफ से है। ये देख रहे हैं जी IHS का एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसमें कुछ डिटेल्स मेंशन है और एप्लीकेशन फॉर्म के 7 steps हैं, और लास्ट स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। प्लीज डोंट राइट इन ओनली कैपिटल लेटर्स व्हेन यू फिल इन द फॉर्म, प्लीज अंडरस्टैंड द प्लैजरिज्म विल बी चेक एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड। अब यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर आपने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की तो उसको चेक किया जाएगा और उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेव योर फॉर्म इफ़ यू विश, अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसको सेव ज़रूर कीजिए ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और देन वेट फॉर योर ईमेल फ्रॉम एडमिशन ऑफिस। उसके बाद जी, तो ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसमें मैं आपको ज़रूर एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में
जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगे या कभी जब भी कोई पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लें ताकि उसमें फिर गलती यानी आप गलती करने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। एडमिशन रिक्वायरमेंट ज़रूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इस लिहाज में। जैसे ही आप फर्स्ट फॉर्म को फिल करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव फॉर लेटर, अगर आप उसे करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके अदरवाइज नेक्स्ट पेज आप कर देंगे। ये उनका एडमिशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन ऑफिस की भी कुछ डिटेल मेंशन है और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, यानी अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप जो है जो नदरलैंड में आपके लिए है, ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया है कि किस किस कोर्सेज के लिए ये ऑफर किया जा रहा है। और उसके बाद आप मज़ीद इनसे कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है ये किस चीज़ के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस आप सिंपली इस ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप स्कॉलरशिप से किसी अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स आप ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसके अलावा ये स्कॉलरशिप्स आपके लिए नहीं है, ये मैं चेक कर रहा था कि अगर आप इसमें कंट्री पाकिस्तान या इंडिया फॉल होता है तो मैं इसके बारे में भी गाइड कर दूँ, बट ये स्कॉलरशिप्स और कंट्रीज़ का है जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये आज का तमाम वीडियो था नदरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम एंड ओरिज नॉलेज प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, और इसमें उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको ज़रूर मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।